नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो मून पे पहला कदम रखा था। जी हाँ, कई लोगों का मानना है कि वह व्यक्ति मून पे असल जिंदगी में कदम रखा ही नहीं और मून लैंडिंग एक स्टूडियो में शूट किया गया। जी हाँ, तो हमेशा की तरह मैं एक बार फिर से आप लोग के बीच आया हूँ एक रोचक कथा को लेके, मतलब रोचक कहानी को लेके। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसे अंतरिक्ष यात्री के बारे में जो पहला कदम मून पे मतलब कि चंद्रमा पर रखा। जी हाँ, कितने लोगों का कहना है यह कि जो मून लैंडिंग असल ज़िंदगी में हुआ था वह हुआ ही नहीं था बल्कि एक स्टूडियो में शूट किया गया था। जी हाँ, लेकिन मैं आज उन सभी लोगों का यह शक दूर कर दूंगा अपने इस वीडियो में। तो जुड़े रहें हमारे साथ, आप देख रहे हैं अंकित ब्लॉग और आगे वीडियो में बने रहें। 2 1 0 तो आज हम बात करेंगे कैसे अंतरिक्ष यात्री के बारे में जो अंतरिक्ष में नहीं बल्कि चंद्रमा पहला कदम रखा था। जी हाँ, आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं आज नील आर्मस्ट्रांग के बारे में बात करने वाला हूँ जो अंतरिक्ष में नहीं बल्कि चंद्रमा पर पहला कदम रखे थे। जी हाँ, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्रमा पहला कदम रखे थे वह असल ज़िंदगी में रखे ही नहीं थे बल्कि वह एक स्टूडियो में शूट किया गया था। लेकिन मैं आज उन लोगों का यह शक अपने इस वीडियो में दूर कर दूंगा। जी हाँ, तो आप लोग जो स्क्रीन पे यह फुटप्रिंट देख रहे हैं यह उस समय का है जब नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पहला कदम रखे थे। लेकिन अब कुछ लोगों का कहना है कि जो यह फुटप्रिंट है उनके सूट के जो स्पेस सूट है उसके फुटप्रिंट से अलग है। तो मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो यह फुटप्रिंट है यह लैंडिंग के समय का है और लैंडिंग के बाद का जो आप फुटप्रिंट देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर यह लैंडिंग का बाद का है। जी हाँ, जब चंद्रमा पर लैंडिंग हुआ था तो उस समय नील आर्मस्ट्रांग लूनर शूज पहने थे। जी हाँ, लूनर शूज पहने थे, आप लोग देख भी सकते हैं दोनों शूज का जो फुटप्रिंट है सेम है, जो शेप है सेम है। जी हाँ, उसके बाद कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब चंद्रमा पे हवा है ही नहीं तो नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा यह फ्लैग कैसे लहराया जा रहा है। तो मैं उन सभी लोगों को बता दूं कि यह फ्लैग लहरा नहीं रहा है बल्कि जैसे ही इनका शरीर मोशन कर रहा है तो फ्लैग भी मोशन में आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि आप लोग किसी डंडे को पकड़ के देख लीजिएगा, जैसे जैसे हाथ हिलेंगे तो डंडा भी हिलेगा, अगर उसे कोई कपड़ा बनाया तो कपड़ा भी हिलेगा। तो सेम प्रक्रिया इस पर भी है। 1 ignition. Right away, Houston. Vector good. We're burning flat. Roger. Looks good, flat. Roger. Make sure I flight. Roger. Descending. Stand by for splashdown. और कुछ लोगों का यह कहना है कि जब नील आर्मस्ट्रांग अंतरिक्ष में थे तो उनके पीछे आखिर क्यों कोई स्टार चाहे कोई उपग्रह क्यों चमकता नहीं दिख रहा है। तो मैं उन सभी लोगों को बता दूं कि जिस समय नील आर्मस्ट्रांग अंतरिक्ष में गए थे, चंद्रमा पहला कदम रखे थे, उस समय हमारे वहाँ के कैमरा इतने हाई क्वालिटी के नहीं थे कि वह बैकग्राउंड और जो फ्रंट था उसको एक साथ क्लिक कर सकें और साथ में वो दिखे। तो मैं बता दूँ तो उस समय सूर्य की और चंद्रमा की, जो सूर्य था सूर्य का सीधा प्रकाश चंद्रमा पड़ रहा था जिसके कारण जो इनका स्पेस सूट था वह काफ़ी चमकदार दिख रहा था, जिसके कारण या जो उस समय कैमराज थे जो ज़्यादा हाई क्वालिटी के नहीं थे, जो ज़्यादा मेगापिक्सल के नहीं थे, मतलब कि ज़्यादा जिसका लेंस ज़्यादा अधिक हाई क्वालिटी का नहीं था, उस समय यह फ़ोटो क्लिक किया गया था, इस नाते यह जो था सूट रिफ्लेक्ट कर रहा था जिसके कारण पीछे का कोई भी चीज़ नहीं दिख रहा था, कोई भी उपग्रह कोई भी स्टार कोई भी क्या बोलते हैं तारा कोई नहीं दिख रहा था, कोई चमकता नहीं दिख रहा था। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का यह शक दूर हो गया होगा कि यह जो स्पेस में पहली बार जो चंद्रमा पर कदम रखे थे नील आर्मस्ट्रांग यह स्टूडियो में नहीं बल्कि यह सही है। जी हाँ, तो ऐसी ऐसी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय सियाराम।